मेहरीन, आपको पक्का यकीन है कि जिसको आपने देखा है वो आज़र भाई ही हैं? हाँ, 100%। देखो तो उसकी जुर्रत, मेरे शहर में उस फप्पे कुटनी के साथ शॉपिंग करता घूम रहा था, और वो भी महंगे वाले मॉल में। कौन फप्पे कुटनी? ये परी तो आज घर पर ही थी। ओफो, कब से बकवास कर रही हूँ, अपनी बीवी के साथ घूम रहा था वो। कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग? पापा के बच्चे, फप्पे कुटनी का जिक्र आती तो मैं क्यों याद आई हूँ? हाँ, अपने दिमाग ना और आंखों का इलाज करो, बदतमीज। देखो, तुम लोग अगर मेरी हेल्प नहीं कर सकते, प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ, प्लीज। देखा ना तुमने, फिर तुमने बातों में लगा दिया। जी मेहरीन, बताएं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। वो मैं आज से बदला लेना चाहती हूँ। उसने मेरा दिल तोड़ा, मुझे छोड़ा, शादी कर ली, बदला तो बनता है। मेहरीन, लेकिन हम बदला कैसे लेंगे उनसे? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हम ना आज़र भाई की जो बीवी है उसको अगवा करके यहाँ भूत बंगले में लाके छोड़ देते हैं, और वैसे भी वो जो खड़ूस इंसान है वो वहाँ खुद ही निपट लेगा उनसे। कैसा? हाँ ला परी, कभी तो अकल की बात किया करो यार। सबसे अच्छा इंतकाम तो ये है कि मेहरीन भी उसे भूल जाए और शादी कर ले। बाबर, जिंदगी में पहली बार ना तुमने ढंग की बात की है। परी, एक काम करो, तुम ना अम्मा बाबू को जाकर ये खुशखबरी सुना दो। अच्छा, अरे रुको मेहरीन, अब हम और नहीं रुक सकते। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया बाबर, तुम ही ढूंढ लो ना। क्यों, मैं तुम दोनों को रिश्ते कराने वाली माई लगता हूँ? नहीं नहीं, मैं भूल गई कि आप ना सिर्फ बातों के माहिर हैं, और जब आपको कोई काम कहते हैं ना तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं। आप छोड़ दें, हम खुद ही कर लेंगे। ओफो, कोई मेरी भी सुनेगा, मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ। नहीं, खामोश, ऐसे मामलों में लड़कियां नहीं बोला करती। बदतमीज। अरे अरे अरे, कोई काम नहीं आता है करना, बैठ जाओ। खड़े क्यों? वैसे परी, कितना मजा आएगा ना। वैसे जाला, दूसरों की शादी से ज्यादा अपनी शादी में मजा आता है। सोच कुछ जुबां पे तेरा नाम हो, सुबह शाम तुझको नजर में रखूं, मेरा बस यही काम हो। ना चांद और सूरज की है आरजू, मैं तारों से कर लूं तेरी गुफ्तगू।